नमस्कार, मैं ब्रजेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं आईएमटी मीडिया। आईएमटी कॉलेज ऑफ फार्मेसी ग्रेटर नोएडा में फार्मा फेस्ट का आयोजन किया गया। इसमें रमेश, एनआईटी, एचएमआईटी, आईईसी आदि कॉलेजों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गौतम बुद्ध नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनुराग भार्गव रहे। डॉक्टर अनुराग भार्गव ने कहा कि अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो फार्मेसी का क्षेत्र बहुत बड़ा है और इसमें असीम संभावनाएं भी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों को अपनी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स डेवलप करनी चाहिए जिससे हम सभी एक जल्दी डेवलप नेशन बन सकें। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करनी चाहिए। जो हमारे विदेशी मुल्क हैं वो क्यों डेवलप कर गए? वो केवल एंटरप्रेन्योरशिप के कारण डेवलप कर गए कि हर आदमी जो होता है उनका एंटरप्रेन्योर होता है, कुछ भी कर सकने में सक्षम होता है। इस मौके पर मौजूद आईएमटी कॉलेज ऑफ फार्मेसी के डायरेक्टर डॉक्टर मल्लिकार्जुन ने कहा कि हमें सभी रोगों की सस्ती दवाइयों को बनाने पर विशेष जोर देना चाहिए जिससे आम लोगों को भी आसानी से इलाज मुहैया कराया जा सके। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि आईएमटी छात्रों को सभी क्षेत्रों में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है और मंच भी प्रदान करता है। Be it in academics, sports, or any other extracurricular role, we are given equal opportunity to all our students so that they realize their true potential. Fest में मुख्य रूप से जो कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र बने उसमें खोज फैशन शो, पबजी गेमिंग, रंगोली, बैडमिंटन आदि शामिल थे। छात्रों ने इस कार्यक्रम का भरपूर लुत्फ उठाया। अंत में सभी विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।